मुंबई पुलिस ने किडनैप हुई एक 71 दिन की बच्ची को 12 घंटे मिलाकर उसके माँ बाप को सौंप दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि इस बच्चा चोर का हाथ और भी बच्चों के अपहरण में जरूर रहा होगा। इकहत्तर दिन की अनीशा बहुत भाग्यशाली है। 12 घंटे के अंदर वो अपनी माँ की गोदी में वापस आ गई। इस बच्ची का परिवार दक्षिण मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पास एक फुटपाथ पर रहता है। बच्ची को वहीं से आरोपी ने चुराया था। मुंबई पुलिस के कमिश्नर विवेक फलसाणकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कामयाबी के लिए अपनी फोर्स की पीठ थपथपाई। तुरंत हमारे सीनियर इंस्पेक्टर ने डीसीपी और एडिशनल सीपी एसीपी को बताया। एडिशनल सीपी साउथ रीजन मुझसे बात भी की और उन्होंने कहा कि आप टीम नॉर्थ टीम वो बना रहे हैं। सभी पुलिस स्टेशन जो हैं इसमें इस सर्च ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और कल शाम को अंदाजन 7 बजे हमारे डोंगरी के टीम को शबाना शेख जहाँ पर सीनियर किया है माँ बाप को उनके बताया। कल दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन अपनी दिवाली छोड़ के इनकी दिवाली हम उनके लिए वापस ला सके इसलिए हमें बहुत आनंद है। 25 अक्टूबर को अनीशा का अपहरण हुआ था। अनीशा की मां मनीषा शिकायत लेकर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पहुंची। बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई। पुलिस को ये सीसीटीवी मिला जिसमें आरोपी सबकी नजरें बचाते हुए बच्ची को चुरा कर ले जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कड़ियों को जोड़ते हुए इस बच्ची को मुंबई पुलिस ने एंटोप हिल इलाके से आरोपी के पास से बरामद कर लिया। एक फुटपाथ पर एक फैमिली रहती, उनके 3 बच्चे, छोटे बच्चे, उसमें सबसे छोटी 71 दिन की अनीशा थी। वो अचानक उनकी माँ जो है मनीषा, उनको समझ में आया कि गायब। उन्होंने थोड़ी आसपास ढूंढने का प्रयास करने के बाद आजाद मैदान पुलिस स्टेशन को सवेरे वो आए 10:30 बजे। पुलिस का मानना है कि आरोपी मोहम्मद हनीफ ने बेचने के इरादे से बच्ची का अपहरण किया था। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद हनीफ और उसकी पत्नी आफरीन को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों में मुंबई में कई बच्चों के किडनैपिंग केसेस सामने आए हैं। मुंबई पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही है कि इन दो लोगों ने क्या और भी कोई किडनैपिंग केस किया है, क्योंकि प्राइमर फेसी जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है इन लोगों का हेतु इस बच्ची को बेचने का था। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।